एक दिन मैं वहाँ बैठी थी, 20 साल पुरानी बात है सिर्फ, एंड आई वॉज जस्ट देयर। सिर्फ फर्क यह है कि वो हॉल इतना बड़ा भी नहीं था तब, एक छोटा सा हॉल था। और जैसे आप उषा दीदी और शीलू दीदी को रोज सुबह सुनते हैं, मैंने 3 दिन आकर उनको ही सुना सिर्फ, वहाँ बैठकर। कुछ तब तो पहली बात बहुत ज़्यादा समझ में भी नहीं आया था एकदम से, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी कि परमात्मा डायरेक्टली पढ़ाते हैं। एंड माई मदर यूज टू कम टू द ब्रह्मा कुमारीज एंड शी यूज टू ऑल्सो ऑलवेज कीप टेलिंग मी, भगवान पढ़ाते हैं, भगवान पढ़ाते हैं। एंड लुकिंग एट इट फ्रॉम अ साइंटिफिक माइंड और अ लॉजिकल माइंड, आई वॉन्ट प्रूफ, एंड गॉड के नॉट बी प्रूफ्ड, सोल के नॉट बी प्रूफ्ड, दे कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड। अब मेरी जिद शुरू होती है कि आप पहले प्रूफ करो, तब तो मैं जर्नी शुरू करूँ। वो कहने लगे, आप जर्नी शुरू करो, प्रूफ अपने आप सामने आ जाएगा। ऐसे जर्नी कौन शुरू करेगा ऐसे, जब तक आप प्रूफ नहीं करोगे कि जो आप कह रहे हो वो राइट है। एक तो इतनी सारी चीज़ें आपने बता दी है कि पहले सुबह 4 बजे उठो, फिर रोज़ स्टडी भी करो, और फिर ऐसे चलो, ऐसे करो, ये खाओ, ये नहीं करो, ये राइट है, वो इतना सब करो, एंड फिर उसके बाद आप प्रूफ दोगे। लॉजिकल माइंड डज ऑल दीज थिंग्स, और कभी कभी अपनी जिद के कारण ना, अपने अहंकार के कारण हम अपना ही कभी कभी क्या कर देते हैं, नुकसान कर देते हैं। पर मुझे किसी ने एक बहुत सुंदर बात बताई, कहा आप मैथ्स के स्टूडेंट हो? बोला हाँ। कहते मैथ्स में कुछ प्रूफ करना पड़ता है तो कैसे शुरू करते हैं? फर्स्ट लाइन क्या लिखते हो आप? सर लेट ए इज इक्वल टू बी। और लास्ट लाइन क्या होती है? देयर फोर ए इज इक्वल टू बी। और बीच में क्या होता है? जर्नी ऑफ लाइफ। He said, how will you reach therefore A is equal to B till you start with let's A is equal to B? He said, aap proof karke dikhao A is equal to B before starting let A is equal to B. So I said, no, humko aise hi sikhaya hai. Pehle assumption se start karna hota hai, phir usko pura proof karna padta hai, aur end mein hum solution pe aa jate hain. Kehte bas wahi karna hai, aap assumption se start karo ke God is here. Sir, ye bhi baat right hai. Assumption से स्टार्ट करो। देन आई आस्क्ड हिम सेकेंड क्वेश्चन, कितने दिन लगेंगे पहुंचने पे देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी? कहते वो तो आप पे डिपेंड करता ना, बाकी पन्ने कितने प्यार से भरते हो आराम आराम से। कोई बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, किसी को थोड़ा टाइम लगता है, किसी को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन जो राइट आंसर तरह से लिख रहा है वो देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी पे ज़रूर पहुंच जाता है। दैट इज़ वॉट मेड मी जस्ट बिगिन द जर्नी। Many of you sometimes ask me, why are you here and what made you come here? Because हमें लगता है कि जीवन में कुछ प्रॉब्लम आई होगी इसीलिए यहाँ आए हैं। एंड मुझे बहुत प्यार से ऐसे पूछते हैं, आपके जीवन में क्या हुआ था? ऐसे क्या वो कुछ ना, मैं बोलूँ कुछ भी नहीं हुआ था। कहते आप इंजीनियरिंग कर रहे थे, उसको छोड़ दिया, यहाँ आ गए, तो कुछ तो ज़रूर हुआ होगा। ये हमारे बिलीफ सिस्टम्स हैं। एक बिलीफ सिस्टम हमारा है, ये एक जीवन है, ये दूसरी जीवन है। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अ डिफरेंट लाइफ। हमें लगता है एक ये लाइफ है, फैमिली, रिश्ते, जॉब, प्रोफेशन, और एक है स्पिरिचुअलिटी। इज दैट ट्रू? सो स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अ सेपरेट लाइफ। एक ग्रुप हमारे साथ आए, उसमें एक भाई है, 40-45 के आसपास होगा। कहते मैंने अपने सीनियर को बोला, सर मैं फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी जा रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है चले जाओ। कहते फिर मैंने सोचा इनको मैं बता तो दूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो कहते मैंने उनको बताया, सर मैं स्पिरिचुअल रिट्रीट के लिए माउंट आबू जा रहा हूँ। तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन उसके बाद था, इजंट इट अ लिटिल अर्ली? दिस इज व्हाट वी थिंक, बिकॉज वी थॉट It is for which phase in life? Art of thinking, सही सोचना
सही बोलना, सही व्यवहार करना और इमोशनली पावरफुल रहना, ये जीवन की कौन सी एज में शुरू करना चाहिए? दैट्स व्हाट आई टोल्ड हिम. आई सेड यू शुड हैव आंसर्ड हिम, सर ऑलरेडी थोड़ा लेट हो गया, 40 साल बीत गए. जितनी एज बढ़ती है संस्कार थोड़े से क्या होते जाते हैं, कड़क होते जाते हैं, और ईगो थोड़ा सा क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है. आज आप जब घर जाएंगे और अपने संस्कारों से अपने बच्चों के संस्कारों पर इन्फ्लुएंस करेंगे, यू विल सी दे विल चेंज लाइक दिस, सॉफ्टर है. बट दैट डजेंट मीन दैट इफ माई बॉडी इज ओल्ड एंड आई कैन नॉट चेंज माई संस्कार. इट डिपेंड्स ऑन माई डिटर्मिनेशन, मेरी इच्छा शक्ति. वाई टू चेंज वी नो, हाउ टू चेंज वी नो. The only important factor is the want to change. Want to change hai, ek thought mein change ho jayenge. Ek thought mein. So then I began my journey, saying, okay, ye roz jo yahan study karwate hain, ye Paramatma ke direct mahavakya hai. To roz isko study karo. Par unse pucha, kya kya karna hai iske liye? To unhone kaha, 3 din jaise aapne yahan roz subah kiya 4 baje, waisa roz subah karna. वहाँ पे जाने के बाद, और जैसे आपने रोज़ यहाँ क्लास की, वहाँ रोज़ जाके आधे घंटे के लिए करना, बाकी दिन आप अपने काम पर जाना. और क्या करना है? तो उन्होंने कहा सात्विक भोजन खाना. मैं बोला अभी खाना भी चेंज करना पड़ेगा. तो उन्होंने कहा चेंज करना नहीं पड़ेगा, चेंज करोगे तो आपका एक्सपेरिमेंट जल्दी पूरा हो जाएगा थोड़ा सा. Because we are experimenting a pure consciousness. We are experimenting soul consciousness. We are experimenting connection with the supreme consciousness. We are experimenting a life of purity, purity and power. तो खाना भी कैसे होना चाहिए फिर? जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी. अब यहाँ से हम जर्नी शुरू करते हैं कि मुझे प्योर सोचना है, मुझे लव करना है, एक्सेप्ट करना है. वहाँ से हम ऐसा भोजन खा लेते हैं जिसमें कौन सी वाइब्रेशन है, कौन सी स्पेसिफिक, कौन सी वाइब्रेशन है, किसी को बांधा गया है और कैसे कैसी कैप्टिविटी में रखा जाता है, कैसी कंडीशंस के अंदर, और उसको पता है कि मुझे 15-20 दिन के अंदर मारा जाने वाला है. सिर्फ 1 मिनट को अपने आप को उस स्थिति में रखना है कि हमारे अंदर कौन से इमोशंस क्रिएट हो रहे होंगे उस टाइम पे. फिर फियर 1, 2, एंगर 3, हेट्रेड 4, हेल्पलेसनेस. Helplessness. I just can't do anything. I'm trapped. तो यहाँ से I want to create a pure, powerful thought. And यहाँ से भोजन कौन सा consume किया? Hatred, fear, anger, aggression, helplessness. जैसा अन्न वैसा मन. तो यहाँ से battery को charge करने की कोशिश की. एक lunch खाया, battery discharge. फिर शाम को meditation किया, फिर ऐसे किया, dinner खाया, फिर battery discharge. तो कितने दिन में पहुंचेंगे? Therefore is equal to B पे. कितने दिन में पहुंचेंगे? फिर थोड़े दिन करेंगे और फिर कहेंगे ऐसे ही है, कुछ नहीं है, छोड़ दो. जैसे आपके पास पेशेंट आता है, आप डॉक्टर राइट हैं, आपका इलाज भी राइट है, लेकिन मैं पेशेंट उस इलाज को विधि पूर्वक नहीं करती. तो जब मैं विधि पूर्वक नहीं करती, मुझे रिजल्ट नहीं मिलता, तो मैं उंगली किस पे रख देती हूँ? ये डॉक्टर नहीं ठीक था, डॉक्टर बदलो. तो कई बार हम पूछते हैं कि क्या यहाँ वेजिटेरियन बनना पड़ेगा? बनना कुछ नहीं पड़ता, कोई मजबूरी नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई फोर्स नहीं, राय दी जाती है सिर्फ.